brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नया तो कभी होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है जो पुराना है वो और पुराना होता है। आप मंसूरा सिविल हॉस्पिटल देख लो, हर चीज देख लो, कोई सुधार नहीं। आज भी रेफर के केस बनती बनते हैं यहाँ से। पर जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार जो वोट होना चाहिए वो वोट किसी भी पार्टी को आप दो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और सबसे पहला मुद्दा वोट के बाद होना चाहिए शिवना शुद्धिकरण, जो इतने सालों में हो नहीं पाया है। युवाओं में तो बहुत ही निराशा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष से रोजगार की बोला था 2014 के मैनिफेस्टो में, आज वो कहीं से कहीं पूरा साबित नहीं हो रहा है। उनका युवा बेरोजगार हो रहा है, पलायन कर रहा है, और किसानों के ऊपर आए तो किसानों की तो बहुत ही खस्ता हालत है। जो मोदी जी ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बोला था वो कोई जमीने स्तर पर नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम बात करेंगे मंदसौर जिले में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या हमारा युवा सोचता है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और आने वाले टाइम पे जो 13 तारीख को जो चुनाव है उसको लेकर जो युवा है उनके मन में क्या चल रहा है हम जानेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, समझेंगे। और चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर सोनू भाई की दुकान है मंदसौर की, जो काफ़ी फेमस मानी जाती है चाय को लेकर, और जानते हैं कुछ लोगों से हम कि वो क्या सोचते हैं चाय को लेकर और इस माहौल को लेकर क्या कहते हैं लोग। भाईजान जी, सर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? चुनाव आ रहे हैं तो सर सबसे अच्छा है कि वोट डालें, और सबसे अच्छा है कि सरकार है जो भी है अच्छा काम करे, बस यही चाहते हैं। क्या अभी तक के जो चुनाव है उसमें क्या नया आप देखना चाहते हैं? नया तो कभी होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है जो पुराना है वो और पुराना होता है। आप मंदसौरा सिविल हॉस्पिटल देख लो, हर चीज देख लो, कोई सुधार नहीं। आज भी रेफर के केस बनती बनते हैं यहाँ से। आप भले छोटा सा कुत्ता भी काटेगा तो उसको ही वही टेबलेट देंगे, और एक्सीडेंट भी होगा तो उसको ही वही टेबलेट देते हैं यहाँ पे। और पेशेंट के साथ तो बदसूल के अपन देखती है कितनी बार होती है हॉस्पिटलों में, लेटेस्ट कांड होती है। अभी भी एक लेटेस्ट मैटर हुआ था, एक बच्चे का जो डेथ हो गई थी उसकी ऑपरेशन के लेके, तो हॉस्पिटल का सुधार होना चाहिए सरकार के हिसाब से। हॉस्पिटल को लेके कहीं ना कहीं आपके पास, हाँ हॉस्पिटल ही मंदसौर में एक कैंसर का वार्ड ही बनना चाहिए मंदसौर में। आप यहाँ से सब अहमदाबाद जाते हैं और मंदसौर पूरा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी नहीं है और कैंसर का वार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी एक दुख है मंदसौर के लिए, और कैंसर के पेशेंट मंदसौर जिले में काफी है। अगर तुलना करें तो मैं कह रहा हूँ 300 से 500 पेशेंट हो गए मंदसौर जिले में, मगर सुविधा कुछ भी ना, कैंसर का डॉक्टर है ना कैंसर पेशेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि मंदसौर में कैंसर के पेशेंट जो है वो काफी है। और भी जानते हैं भाईजान, आपका क्या नाम है? शुभम तिवारी सर। शुभम जी मंदसौर ही रहते हैं आप? जी सर। तो एक बात बताइए कि जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? सर मैं ये सोच रखता हूँ कि एक तो अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, और जो भी सरकार बने सर मूलभूत सुविधाओं मिलनी चाहिए। किस तरह की सुविधा आप चाहते हैं? सर जैसे मंदसौर का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ की सड़कें और दुरुस्त होनी चाहिए, स्वच्छता भी बढ़नी चाहिए, स्वच्छता में अभी हम पीछे चल रहे हैं मंदसौर। हाँ एक बात बताइए, जो अभी सांसद जो भी हैं जैसे, और जो आपने पिछले भी सांसद देखे होंगे, तो उनके कार्यकाल में आपको कुछ डिफरेंस या कुछ चेंजेस नजर आए हैं अभी के उसमें? सर अभी डेवलपमेंट तो दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छा हो। जैसे रूट लेवल पे डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ जी, ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या आप मानते हैं उतना हो रहा है? नहीं, और सुधार की जरूरत है सर, सुधार की जरूरत मानते हैं। ऐसी क्या समस्या जो आप ज्यादा आपको नजर में आती है जिस टाइप से आती है? सर एक तो सड़कों का विकास प्रॉपर हो नहीं रहा है, अभी सड़कें प्रॉपर बन नहीं रही है, और जैसे गांव के जो कनेक्शन है वो भी ठीक नहीं हुए हैं अभी, जैसे सड़कों के जो उसमें सुधार की आवश्यकता। केंद्र सरकार से रिलेटेड जो चीजें हैं, अभी जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव, और केंद्र सरकार से रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे लोकसभा चुनाव है, तो इसमें आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो सर दुरुस्त काम हो रहा है, जैसे 8 लेन बन रहा है मंदसौर क्षेत्र में, वो स्पीड से चल रहा है सर, काम दिख रहा है। तो इस बार जो चुनाव है, मैं ही नहीं पूछूंगा आपसे कि किस पार्टी का वोट दे रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देश में क्या परिवर्तन की लहर है या किस तरह से आप सोचते हैं? सर एक्चुअली ऐसा लगता है कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, विपक्ष सर पूरी तरीके से कमजोर दिखाई देता है। ठीक है, आप ऑप्शन की कमी मानते हैं? जी जी, ऑप्शन होता तो, ऑप्शन होता तो सर ज्यादा अच्छा होता, डेवलपमेंट और स्पीड से होता, क्योंकि कंपटीशन रहता ना तो आदमी विकास पे और ज्यादा ध्यान देता है। अभी आप भी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। संजय जी बात बताइए, मंदसौर में जो डेवलपमेंट आप देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई
जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके बात करें हम, तो किस तरह का आप डेवलपमेंट देखते हैं और क्या सोचते हैं? मतलब सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मतलब 8 लेन जो है वो बहुत अच्छा बना है। 8 लेन तो हो गया, उसके अलावा जो बहुत सारी नीतियाँ हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो डेवलपमेंट सर जो हो रहा है वो हो रहा है, और मैं एक अपना मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर वो केंद्र सरकार पे है तो वो तो चल रहा है, पर जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार जो वोट होना चाहिए वो वोट किसी भी पार्टी को आप दो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और सबसे पहला मुद्दा वोट के बाद होना चाहिए शिवना शुद्धिकरण, जो इतने सालों में हो नहीं पाया है। एक वोटर को एक मुहिम छेड़ना चाहिए, अगर वो वोट देता है उस पार्टी ने काम नहीं करा चाहे वो कोई सी पार्टी आए, तो फिर उस पार्टी के पीछे पड़ने की मुहिम छेड़ना चाहिए कि मंदसौर में अगर शिवना नदी शुद्ध नहीं होगी तब मतलब उस पार्टी को नहीं माना जाएगा। एक बात, ये जो रोड्स वगैरह हैं, अभी जो रोड वगैरह ये चल रहे हैं और ये इस तरह से जो काम चल रहे हैं रोड को लेके, और ये जो अब जो सेंट्रल वगैरह के सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स हैं 8 लेन रोड वगैरह तो काफी बन रहे हैं, और बाकी जो आपके सोलर एनर्जी को लेके आप क्या कहेंगे, आपने कहाँ तक आप डेवलपमेंट मानते हैं? सोलर एनर्जी में तो डेवलपमेंट मानता हूँ सर मैं, कि सोलर एनर्जी में तो देखिए अब गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, अगर आप खुद का सोलर पैनल ऊपर लगाना चाहें तो उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको, सब में हेल्प कर रही है। अच्छा, अभी जो नए एक जो आए हैं लोकसभा के जो प्रत्याशी के तौर पर जो कांग्रेस से आए हैं, अभी दिलीप सिंह गुर्जर, और दिलीप सिंह गुर्जर हैं एक तरफ और सुधीर जी गुप्ता हैं, दोनों में से आप किसको क्वालिटी मानते हैं? एक बार एक तरफ दिलीप जी गुर्जर हैं जो 4 बार वो जीत 3 बार जीते हैं, और सुधीर गुप्ता हैं वो भी जीतते आ रहे हैं, तो दोनों के जो काम का तरीका है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, दोनों का तरीका डिफरेंट है काम करने का, पर जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ना दिलीप सिंह गुर्जर जी को देख के वोट दे रहा हूँ और ना सुधीर गुप्ता जी को देख के वोट दे रहा हूँ। मैं वोट दे रहा हूँ अपना केवल एक ही नाम को देखकर, मोदी जी को, और वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया है इतने सालों में, उसका मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि 4-5 साल और देश को ऐसा नेता मिले जो देश को और ऊंचाइयों पर ले जाए, कि आज विदेश में इतनी इज्जत बढ़ रही है भारत की, भारत के लोगों को इज्जत से पुकारा जाता है, भारत की मांग बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप जैसे चलते रहते हैं मोदी जी के ऊपर भी, इतने सारे चलते रहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब देखिए, हर गवर्नमेंट में सर कुछ ना कुछ खामी कहीं ना कहीं रहती है, पर अगर विकास की बात करूं, मैं केवल विकास की बात सोचता हूं, विकास की बात सोच रहा हूं, तो विकास में आगे निकल रही है गवर्नमेंट। क्या नाम है आप? यूसुफ खान। यूसुफ भाई, एक बात बताइए कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जब जो लोकसभा चुनाव आ रहे तो उसमें वोट क्या सोच कर आप देंगे? यही विकास को देख के देंगे हम जी। विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे। विकास अभी तक कितना मानते हैं? अभी तो बहुत कम विकास हुआ, अभी 5 सालों में तो कोई विकास ऐसा नजर नहीं आया। जैसे कुछ भी रोड का डेवलपमेंट है, रोड ऐसे ही है, पुराने टाइप के रोड चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे बड़े बड़े हाईवे वगैरह जो बनते हैं, ये बनते हैं वो बनते हैं, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, योजनाएं जो आती है गरीबों के लिए आती है, महिलाओं के लिए जो आती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो नीचे तक पहुँच नहीं पाती पूरी तरीके से, और कोई ऐसा वो ऐसा डेवलपमेंट आया नहीं है कि नीचे तक कुछ मध्यम वर्ग को कुछ योजनाएं का लाभ मिल सके। ऐसा युवाओं में नौकरी वगैरह को लेकर आप क्या तो अभी सब बेरोजगार तो बहुत ज्यादा है, अब रोजगार तो लोग भटक ही रहे हैं ना, नए नए पढ़े लिखे लोग सब अभी भटक ही रहे हैं, ऐसे तो अभी नौकरी तो अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है कि नौकरी मिल जाए किसी को। तो क्या लगता है आपको कि नौकरियां आएगी? अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, वो तो गवर्नमेंट जो बैठे हैं लोग और जो काम करें तो नौकरी अगर निकालेंगे तो अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है जो एक सांसद होता है उसको किस तरह के काम करना चाहिए, पब्लिक से किस टाइप से उसको अटैच होना चाहिए? पब्लिक के हिसाब से काम होना, उनको नौकरी मिले और रोडों के डेवलपमेंट हो, अच्छे रोजगार के व्यापारियों के लिए अच्छा काम हो, जनता के लिए लाभदायक कुछ तो काम, अभी काम नहीं हो रहे हैं? अभी तो कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी तो ऐसा कोई काम नहीं हो, 5 सालों में तो ऐसा काम नहीं देखे हम लोगों ने। जी ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो एक आरोप है एक तरह का, एक मन की बड़ी वो कुंठित और भावना है जो अपन कह सकते हैं कि जो एक पीड़ा होती है आदमी की, वो सामने है आपके, कि जो कह रहे हैं आप, आइए जानते हैं, और भी यहाँ हमारे दोस्त लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे, आते हैं कि वो क्या कहते हैं और जो यंग जनरेशन है वो क्या कहती है। भैया, क्या नाम है आपका? जीवन, एक बात बताइए मुझे कि जो अभी इलेक्शन आ रहा है, और इलेक्शन में जो हम बात करते हैं और चीजों को समझते हैं, तो क्या कहेंगे आप, इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, बदलाव की उम्मीद तो है ना,
अच्छा, नौकरियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नौकरियों को लेकर तो बहुत सारे बेरोजगार है बेचारे, घूम ही रहे हैं लोग, नौकरियां तो है ही नहीं। तो किस टाइप से आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया, या दूसरों से मिलते होंगे आप, देखते होंगे ड्रोन वगैरह आप उड़ाते तो क्या कहेंगे इस बारे में? नौकरी कहाँ है, नौकरी से आजकल बिजनेस ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो बिजनेस ढूंढ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं गवर्नमेंट को नौकरी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? यश। यश, मैं एक बात बताऊँ, जो अभी जो युवा है वो नौकरी को लेके काफी घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो आपको क्या लगता है नौकरी को लेकर? नौकरी को लेकर तो देखो ऐसा सीन है कि जॉब तो अब बहुत रेयर केस में मिलती है अच्छी जॉब। देखो इंडिया फ्रीलांस वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए सबको, बस यही। तो सभी लोग एंटरप्रेन्योर थोड़ी बन पाएंगे? वो तो है, बाकी जॉब तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा करप्शन और ये सब, जिसके पास पैसा है उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है वो बनेगा बिजनेसमैन छोटा मोटा। तो ये देखा आपने, जो युवा हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो जॉब है उनको लेके कहीं ना कहीं करप्शन अपने आप में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ बैठे हैं, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भैया कहाँ से आप लोग? यहीं से, मंदसौर से ही हैं जी। वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वोट वोट देना तो है ही है सर। और विकास तो चल ही रहा है, बातों में चल रहा है कि क्या है, अब ये तो सभी जान ही रहे हैं, बाकी तो वोट देना ही है और बस ये घोटाले और उजागर होने चाहिए। जो 50-50 साल से घोटाले दबे हुए हैं वो भी उजागर होने चाहिए। और इसके अलावा जो आप क्या नयापन चाहते हैं? नयापन तो देखो, स्टूडेंट भटक रहे हैं अपनी डिग्रियां लेके और कोई सुनवाई नहीं है, और वो छात्रवृत्ति सबों की अटकी हुई है, तो थोड़ा बहुत नेता लोग इधर ध्यान दे दें तो उनका भी भला हो जाएगा और हमारा भी थोड़ा काम। नेता लोग तो हम जो भाषणों में कहते हैं कि हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं और बात, हाँ बिल्कुल कहते हैं, बातों में बिल्कुल कहते हैं, ये हम मान रहे हैं, बस बातें ही हो रही हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो युवा है या जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर जॉब को लेकर काफी परेशान है, आप किस तरह से युवाओं को देखते हैं, किस तरह की परेशानी आप क्या कहेंगे? युवाओं के लिए तो बहुत परेशानी है, मतलब सरकारी जॉब तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है लगभग। तो क्यों नहीं मिल पा रहे जॉब? तो भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, जैसे पटवारी घोटाला, माध्यमिक शिक्षक घोटाला, सब में लीक हो जाते पेपर पहले से ही, सेटिंग हो जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे वगैरह की जॉब है और भी कई जॉब है, हाँ इनमें भी वैकेंसी का बहुत कम आ रही है। अच्छा, लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट बहुत सालों से। तो और युवाओं की या जो नई नई जनरेशन है उसको आप कहाँ देखते हैं आज की तारीख में, कहाँ देखते हैं? आज की तारीख में तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का एक बड़ा मामला है, और बड़े मामले के साथ साथ एक बात और करना चाहूंगा कि जो भैया आप एक, आप क्या नाम है आपका? राकेश सूर्यवंशी। राकेश जी एक बात बताइए, जो नए लड़के हैं, नए लड़के जो हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, जो अभी जैसे जॉब कर रहे हैं या जो आजकल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह इन पे सारी चीजें हो रही है, तो आप नए लड़कों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उनको कैसे किस तरह से देखते हैं आप? अभी वर्तमान में जो सोशल मीडिया का जो क्रेज चल रहा है उसमें युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे जो सरकार की जो नाकामी और जो बेरोजगारी का जो आलम और जो परसेंटेज है वो जो युवा उस सोशल मीडिया में व्यस्त होने के कारण उसको पूरी तरह से उनको एहसास नहीं होता है कि आज देश पूरा बेरोजगारी से परेशान है। युवा इंजीनियर और अच्छी डिग्री करने के बाद बेरोजगारी बैठे हैं। आप एक बात कि इन सब में आप सरकारों की कितनी भूमिका मानते हैं? सरकार की जवाबदारी होती है जिस प्रदेश में या जिस देश के जो नागरिक है उनको रोजगार उपलब्ध कराना, और 2014 में परिवर्तन हुआ था और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने रोजगार 2 करोड़ रोजगार का वादा करके और
प्रति व्यक्ति को 15 लाख का झूठा वादा करके सरकार में वो काबिज हुए और आज उसको जुमला बताकर भाजपा ने उससे किनारा कर लिया है और भाजपा अपने वादे से। क्या लगता है जो सीटें हैं जो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही परिवर्तन होगा और जो रिपीट जो प्रत्याशी हैं उनको जनता देख चुकी है, अब नए लोगों को मौका मिलेगा और युवा सभी समझदार हैं। अब युवा जान चुके हैं कि 10 सालों से हमें जिस तरीके से झूठ परोसा गया है उसको युवा समझ चुके हैं और निश्चित ही मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये युवा हैं और जो कह रहे हैं कि परिवर्तन उन्हें लगता है और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ पे चाय की दुकान है, यहाँ कई लोग अपनी अपनी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो भैया आपसे बात करूँगा थोड़ा सा, क्या कहेंगे आप जो आज जो करंट पोजीशन है या जो सिचुएशंस हैं युवाओं को लेकर, क्या कहेंगे? युवाओं में तो बहुत ही निराशा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बोला था 2014 के मैनिफेस्टो में, आज वो कहीं से कहीं पूरा साबित नहीं हो रहा है। उनका युवा बेरोजगार हो रहा है, पलायन कर रहा है और किसानों के ऊपर आए तो किसानों की तो बहुत ही खस्ता हालत है। जो मोदी जी ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बोला था वो कोई जमीनें स्तर पे नहीं है और किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है जबकि उनकी खर्चा दोगुना हो रहा है। आपसे जानना चाहूंगा भैया एक बात है, जो आप भी जॉब में होंगे या कहीं काम करते होंगे, एडवोकेट हूँ, एडवोकेट हैं आप, तो आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में आप किसी प्रोफेशन को जैसे जॉब करना सही मानते हैं या अपना खुद का बिजनेस? इंसान खुद मजबूर है जॉब करने के लिए, बिजनेस के लिए नए कुछ दे नहीं रहे, वादे किए थे जो सरकार ने, हमारे लोकल मुद्दे को देख लीजिए, सरकार में फिर बचा है भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं। आज हम देखेंगे जितने घोटाले हो रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो करंट है, सरकार कहती है हम गौ माता को बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो कंपनियां बीफ बनाती है बीफ काटती है उन कंपनियों से चंदा ले रही हैं, ऐसे कैसे चलेगा? इन्होंने रोजगार के वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज हम देखेंगे अधिकतर बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम को आप यहाँ पे मानते हैं जो अच्छे तरीके से चल रही है? आइडिया नहीं है इसका मुझे, तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। उज्ज्वला योजना वगैरह जैसे जो महिलाओं के लिए चल रही है या जो नई नई योजनाएं आ रही है तो उसमें इतने फर्क इन लोगों ने, सरकार ने उसके भी कुछ गाइडलाइन फॉर क्राइटेरिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत रेयर लोगों को मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं इनके, उसमें गाइडलाइंस इतनी टफ है तो पहुंच नहीं पा रही है ग्रामीण क्षेत्रों तक उनके, सरकार ने उसके लिए आगे से हम कहेंगे जैसे कि टीम बनाकर नहीं भेजी है उसको, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं शहरों तक। राहुल गांधी जो है नए नेता के रूप में आ रहे हैं सामने, तो राहुल गांधी को लेकर आप कैसे? अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। उम्मीद क्या लगती है आपको? उम्मीद है अब जो भी होगा जनता अपना वोट से बताएगी। तो एक चीज और मुझे बताइएगा, आपसे एक और जानना चाहूंगा कि जो आजकल जैसे जॉब को लेकर काफी लोग परेशान हो रहे हैं, तो जॉब को लेकर या जिस टाइप से जो चल रहा है माहौल देश में उसको लेकर जॉब की जो प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें हैं वो और वोटिंग आपस में कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन मानते हैं, कितना क्या कॉम्बिनेशन मानते हैं आप लोग? जॉब को लेके आप क्या कॉम्बिनेशन, जो लोगों में कॉम्बिनेशन होता है जॉब को लेकर तो वो क्या सोचते हैं कि घर पे जॉब करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करूं या फिर जो दूसरे बिजनेसेस वगैरह क्या करूं? तो भाई बात है, हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखता है, आज की भारत में जाम रहते हैं, छोटे से गाँव से लेके बड़े शहर भी चले जाएं, पहली प्रायोरिटी उनकी यही रहती है हम गवर्नमेंट जॉब करें। एक बात, लेकिन सरकार ने गवर्नमेंट जॉब के जितने भी रोजगार है सब खत्म कर रही है, सबका निजीकरण कर रही है, सब ठेकों पे दे रही है टेंडर, एयरपोर्ट जितने भी हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी है सब टेंडर पे जा रही है, रेलवे को देख लो, भोपाल का हबीबगंज देख लेते हैं, सब टेंडर दे दिए, सब प्राइवेट। डेवलपमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट तो कहते हैं ना वो नहीं,
उसका एक अच्छा कहावत है कि विकास तो निरंतर होता ही रहता है, प्रगतिशील रहता है, चाहे सरकारें आएगी जाएंगी लेकिन विकास तो चलेगा ही सही। लेकिन वो विकास की दर इतनी बहुत धीमी है। वो तो आप मानते हैं कि विकास की दर धीमी है और इसे बढ़ना चाहिए? तो विकास की दर धीमी मानी जाती है और इनका सोचना है कि विकास की दर बढ़ना चाहिए। और भी लोग यहाँ बैठे हैं, युवा लोग, उनसे बात करेंगे पीछे रहेंगे। यहाँ पर कई लोग हैं जो बैठे हैं, अधिकतर युवा जो हैं उनका साथ ही मोबाइल होता है और बैठे हैं। आज भैया क्या नाम है और आपका कहाँ से है? हेमंत माली, मंदसौर से। प्रॉपर मंदसौर से जी। हेमंत, एक बात है, जो रोजगार की स्थिति है वो क्या चल रही है? वाकई सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार की कमी है। युवा डिग्री लेके बैठे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं युवा। तो क्या आप चेंज चाहते हैं कुछ या किस तरह से? खैर अभी जिस उद्देश्य से सरकार चल रही है तो हम चेंज तो नहीं चाहते हैं, पर जो है वही चाहते हैं। मतलब आप चाहेंगे कि ये सरकार जो अभी जो नए जो युवा हैं उनको लेकर, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर ज्यादा सोचे? सरकार को इस मामले पर सोचना चाहिए बिल्कुल, युवाओं के लिए, क्योंकि अपन जो जिस तरह से अपना देश आगे बढ़ रहा है तो इस मामले रोजगार का अवसर भी सरकार को पैदा करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्यों नहीं कहना चाहिए? आप भी तो देश के नागरिक हैं। सर मैंने भी MBA कर रखा है और मैं अभी खुद का बिजनेस करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, यही है कि आने वाली जो सरकार है वो युवाओं को रोजगार दे। तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि युवाओं को? बिल्कुल जरूर। तो ये आपने देखा यहाँ पे, और भी युवा जो बैठे हैं उनसे बात कर लेता हूँ। भैया रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारा तो व्यापार है। तो व्यापार को लेकर आप क्या, जो GST वगैरह है उनको लेकर आप क्या? GST को लेकर थोड़ा परेशानी रहती है, थोड़ी कम GST, जैसे हर माल बिल में मंगाना पड़ता है तो थोड़ा अपने को मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर मार्केट में कॉम्पीट करना है किसी चीज को तो अगर GST से थोड़ी सहायता मिल जाए तो अपन कस्टमर को अच्छा रेट दे सकते हैं। अपडेशन चाहते हैं आप? अपडेशन यही कि थोड़ा GST कम हो जाए, या फिर जैसे खत्म तो हो नहीं सकता तो कम हो जाए तो अपने लिए भी अच्छा और कस्टमर के लिए भी अच्छा। कस्टमर बेनिफिट तो कस्टमर को ही मिलेगा, अगर कम रेट में आएगा तो अपन कम रेट में दे पाएंगे। आप क्या कहेंगे? बस तो ये मुझे एक बात, ये जो आज जो युवा लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग जो नए बिजनेस को कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप पहले के बिजनेस को और अभी के बिजनेस को? क्या मुझे तो खैर अभी 2-3 साल ही हुए तो मुझे आइडिया नहीं है कि जो पहले क्या होता था, अभी जो चल रहा है GST। हाँ, GST वगैरह से तो अब क्या है कि सारी चीज अगर बिल में आ रही है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं कस्टमर को लॉस है। तो ये थे हमारे साथ मंदसौर के कुछ युवा, जिनका कहना है कि GST को लेके उन्हें प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों का कहना है जो एजुकेशन है उसको लेके समस्या है, तो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर भी अपने आप में बड़ी समस्या है। आने वाला समय बताएगा कि जो योजना सरकारें चलाती है, केंद्र सरकार जो चलाती है, स्पेशली इस लोकसभा चुनाव के दौरान, आने वाले समय में क्या कहते हैं हालात और क्या होगी इन युवाओं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।